हेलो स्टूडेंट्स, मुँ आपण को निहारिका आपण को प्रियमदा क्लासेस रे स्वागत जनाउछि। आज आम देखिबो ओडब्ल्यूएससी द्वारा कंडक्ट कराइथिबा अकाउंटेंट एग्जाम, जोटा कि आपण को जुलाई मास रे हेतला। आमे आज जीके क्वेश्चन जोटा कि करंट अफेयर सेक्शन पडिथिला, क्वेश्चन आंसर देखिबा, ता सहित तार एनालिसिस देखिबा। तो चलो डेरी न करिकि स्टार्ट करिबा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 22nd Law Commission recently released its report on Uniform Civil Code, जोटा को आम कौन कहीता UCC। एवं न्यूज रे आ विषय बहुत चर्चा चलती Uniform Civil Code। Who is the chairman of 22nd Law Commission, जे कि UCC ऊपर रिपोर्ट जारी करी छी, के जारी करी छी Law Commission। तो ये 22nd Law Commission नो चेयरमैन किए बोली पचार छी तुमको। तो आंसर कौन हो, आंसर हमारो हो ऑप्शन ए, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये हूँ 22nd Law Commission रो चेयरमैन। ता सहित ये कौन थिले, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट। जे तुम जस्टिस थांती तांकु कौन कहा जाए, हाईकोर्ट जस्टिस को चीफ जस्टिस कहा जाए, आउ इंडिया रो जी हेड थांती तांकु कहा जाए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ कौन थिले, कर्नाटक हाईकोर्ट रो थिले। एबे तांकु रिसेंटली कोठी अपॉइंट कराई छी, तांकु रिसेंटली एबे अपॉइंट कराई छी लॉ कमीशन रो चेयरमैन हिसाब रे। एबे किसीटा पॉइंट्स हमें लॉ कमीशन विषय रे जानि दबा। खाली एग्जाम रो एनालिसिस करबा सेटा इंपोर्टेंट नै, माने एग्जाम रो खाली जो क्वेश्चन दे छी तारो आंसर बाहर करबा इंपोर्टेंट नै, हमें ता विषय रे जानिबा। मे बी अपकमिंग एग्जाम रे तुमरो से विषय रे किछि पढ़ी पारे, तो हमें डिटेल ले पूरा चली भला। तो देखो फर्स्ट रे देछि लॉ कमीशन। लॉ माने कोन, लॉ माने ला आईन। तो लॉ उपरे लॉ बनेबा पई हम गवर्नमेंट तरफ रु गोटे अथॉरिटी अछि, जहाकु हमर कोन कहा जाए लॉ कमीशन बोली कहा जाए। जेंति कि पुलिस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेम तुमर कोन थाए लॉ कमीशन थाए। तापर नेक्स्ट देखो ये तुमको डाटा दे दी छी, एडा होची केते नंबर लॉ कमीशन, 22nd, माने जेबेटु लॉ कमीशन आरंभ हिची एडा होची केते नंबर, 22 तम लॉ कमीशन। तापर नेक्स्ट लॉ जेमती तुमर फाइनेंस कमीशन थाए, इलेक्शन कमीशन थाए, से सब होचंती हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने कोन, एमिती किछि बॉडी जहां पई कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल मेंशन दिबो। सपोज मु गोटे एग्जाम्पल देवी, जमती कि इलेक्शन कमिशन, तापे आर्टिकल केते अछि 324 रु आर्टिकल जितकी भी अछि कहाँ पे अछि, इलेक्शन कमिशन पे अछि। तो ये हला तमरो कोन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सांविधानिक गोटे बॉडी माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन। सेमती किंतु लॉ कमिशन जोटा अछि ये होछि तमरो गोटे कोन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बा इटा को अलग रे कोन कहा जाए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या पे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि भी आर्टिकल मेंशन नाही। लॉ कमिशन को मिनिस्ट्री अंडर रे आसे, लॉ कमिशन तमरो आसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आईन ओ न्याय मंत्री अंडर तुमर कौन आसे, तुमर आसे लॉ कमिशन। ये प्रथम क्वेश्चन मोर रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तार मिनिस्टर किए अच्छा, आम सेंटर में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किए अच्छा। रिसेंटली अपॉइंट कराई किरण रिजिजू को रिप्लेस करिकी, तो नाटा मत बतेबो। मु मिनिस्टर मान विषय तो पढ़ेली गोटे सेशन रे, तो मत आंसर देव। तापर नेक्स्ट देखो, व्वेर इज द आईसीसी, आईसीसी रो फुल फॉर्म कौन, आईसीसी हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी रो हेडक्वार्टर कौच अच्छे, आईसीसी रो हेडक्वार्टर अच्छी दुबई, यूएई रो कैपिटल दुबई। तो दुबई रे तारो हेडक्वार्टर अच्छी, आईसीसी हूँ गोटे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, माने क्रिकेट रो इंटरनेशनल गोटे बोर्ड हूँ तुम आईसीसी। तो पचार आईसीसी वर्ल्ड कप, आम बहुत सारा मैच हुए T20 वर्ल्ड कप ये सब। तो वर्ल्ड कप मैच जोटा कि 2023 यार फाइनाल मैच कौ स्टेडियम हम बोली तुमको पचारि। तो देखो ऑप्शन हमें देखी देखा कौन कौन दे, फास्ट दे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। तो यू तुम्हें कौन जान लो कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कौटी अच्छी दिल्ली में अच्छी। तापर नेक्स्ट दे वांखाड़े स्टेडियम, ये कौटी अच्छी ये अच्छी मुंबई में। तापर नेक्स्ट दे ईडेन गार्डन, ये तो कोलकाता फेमस, वेस्ट बेंगल तुम फेमस क्रिकेट स्टेडियम ईडेन गार्डन। आईटी तुम फास्ट पिंक बॉल रे टेस्ट मैच होता इंडिया और श्रीलंका भितर। तापर नेक्स्ट दे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, इंडिया रो आमर सबुठ बड़ लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। ता सहित वर्ल्ड रो भी आमर सबुठ बड़ स्टेडियम होची कोनो
नरेन्द्र मोदी स्टाडियम ए नरेन्द्र मोदी स्टाडियम समस्त जानी पड़ते कहाँ ना अनुसार रखाई आमर 15th प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को ना अनुसार रखाई आ नरेन्द्र मोदी जी तुम गुजरात रे अहमदाबाद रे अच्छे तो ना अनुसार सम्मान देवाई ये स्टाडियम ना चेंज कराई तो आउ गोटे क्वेश्चन आसता कि नरेन्द्र मोदी स्टाडियम अलग ना कौन थी पूर्व ना कौन थी तार पूर्व ना कौन थी मोटेरा स्टाडियम मोटेरा स्टाडियम तुम गोटे कम्प्लेक्स अच्छे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जोटा हूँ तुम सर्दार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से ही अंडर तुम गोटे स्टाडियम अच्छी तार ना हूँ मोटेरा स्टाडियम जोटा कि कौटी अच्छी अहमदाबाद गुजरात रे अच्छी आ तार ना रिसेंटली चेंज कराई नरेन्द्र मोदी स्टाडियम कराई तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन डी नरेन्द्र मोदी स्टाडियम आ गोटे जिनस जाणी रखी कि नरेन्द्र मोदी स्टाडियम कैपेसिटी अनुसार वर्ल्ड रुठ बड़ स्टाडियम कैपेसिटी यार के यार कैपेसिटी हूँ 2.3 लाख मान 230,000 2.32 कोटी दे था तो 230,000 मैक्सिमम कैपेसिटी सॉरी 1.3 लाख तर मैक्सिमम कैपेसिटी ताकू छाड़े कि आमर आउ गोटे स्टाडियम जोटा कि वर्ल्ड फर्स्ट स्टाडियम थिला एबे सेटा सेकंड हो जाइछि जेतु नरेन्द्र मोदी स्टाडियम रे कैपेसिटी तुम अधिक अच्छी ताठू तो सेटा होछि मेलबोर्न क्रिकेट स्टाडियम मेलबोर्न क्रिकेट स्टाडियम कौटी अच्छी मेलबोर्न अच्छी तुम ऑस्ट्रेलिया रे आउ यार सिटिंग कैपेसिटी केते 80,000 तो यहाँ वर्ल्ड सब फर्स्ट स्टाडियम थिला जेतु नरेन्द्र मोदी स्टाडियम बनाला परे तारो कैपेसिटी 1.3 लाख हो गला तो एबे एटा केते हो गला वर्ल्ड सेकेंड क्रिकेट स्टाडियम तो ये दुटा पॉइंट मन रखिबो कि वर्ल्ड सब बड़ स्टाडियम कौटा जोटा कि इंडिया रे अच्छी नरेन्द्र मोदी स्टाडियम आ सेकेंड हूँ मेलबोर्न क्रिकेट स्टाडियम नरेन्द्र मोदी स्टाडियम को आम इंडिया गोटे लकी स्टाडियम हिसाब से कह जाए जितकी मैच इंडिया आम नरेन्द्र मोदी स्टाडियम रे खेली प्राय मैच रे इंडिया विन कर वर्ल्ड कप हो कि भी हो T20 हो IPL हो एवं रिसेंटली तुम 2023 रे तुम IPL मैच होता गुजरात टाइटन्स आम चेन्नई सुपर किंग्स भितर जोटार कि फाइनाल मैच भी आम नरेन्द्र मोदी स्टाडियम रे खेला आउ यार विनर किए होता चेन्नई सुपर किंग MSD को टीम तापरे देखो तीन नंबर क्वेश्चन को जीबा इंडिया वन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप एशियन माने कौन एशिया अंडर एशिया कॉन्टिनेंट रे जति की कंट्री अछन्ति तांको भीतर कबड्डी होची तो कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जोडे की कोठी इतला भूषण भूषण गोटे जगारो ना कोठी अछि साउथ कोरिया कोरिया रो दुईटा पार्ट अछि गोटेला नॉर्थ कोरिया गोटेला साउथ कोरिया जारो की कैपिटल होची कौन सियोल एतरो कैपिटल होची सियोल तो साउथ कोरिया रे मैच होता आ पचार तुमको ये फाइनाल ले इंडिया कहाँ को डिफीट कर मानने कहाँ को हरई तो आंसर कौन हम क्या हरई आंसर हम तुम ईरान को हरई तो ये पचार तुम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप प्रथम क्वेश्चन यहीटा आसे कि कबड्डी कौ कंट्री रो नेशनल स्पोर्ट्स रो ना कबड्डी तुम्हें जदि जानी तो आंसर दबो मुँ बतई दौर बांग्लादेश रो नेशनल स्पोर्ट्स रो ना हूँ कबड्डी जमीक आमर इंडिया रो नेशनल स्पोर्ट्स रो ना हूँ हॉकी पाकिस्तान रो नेशनल स्पोर्ट्स भी हूँ हॉकी तुम इंग्लैंड रो नेशनल स्पोर्ट्स हूँ कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रो सेमती बहुत सारा कंट्री जमीक जापान रोचे सुमो रेसलिंग तो एमती बहुत सारा कंट्री रो नेशनल स्पोर्ट्स तुमको एग्जाम आसे तो कबड्डीटा कहार नेशनल स्पोर्ट बांग्लादेश रो तो यहाँ क्वेश्चन आसला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्राफिकिंग इज ऑब्जर्व डन ये तुमको डेज विषय में पचार डेटा अगेंस्ट ड्रग्स ड्रग्स माने कौन ड्रग्स तुम जो जमीक निशा जिनस जोटा ग्रहण करती लोक मैंने जोटा कि आम हेल्थ में इंजरीयस था तो अटकईवाई आउ इलिसिट ट्राफिकिंग ट्राफिकिंग मैंने चोरा चलाण जो ड्रग्स चोरा चलाण हुए तो सहीटा को अटकईवाई इंटरनेशनल डे तुम केबे सेलिब्रेट करा जाए तो आंसर हम कौन आंसर हम 26 जून इधर आंसर हम 26 जून ये दिन सेलिब्रेट करा जाए ये देखो आम ऑप्शन टी एनालिसिस कर दबा फास्ट तो है 21 जून समस्त जानते हैं यहाँ कौन इंटरनेशनल योगा डे योगा डे आमर योगा आमर जो गोटे देख गोटे बर्षर सबुठ बड़ दिन कौटा थाए 21 जून यही दिन पर दिन बड़ हुए आति सान हुए जोटा को आम इंग्लीश्रे गए टर्म कह जाए समर सोलिस्टिस
समर सोलिस्टिस आ जो दिन ठू राति बड़ हुए आ दिन सान हुए ताकु कुआ जे विंटर सोलिस्टिस जोटा कि तुम केबे आसे 22 डिसेंबर रे आसे ताकु कुआ जे विंटर सोलिस्टिस एटा को कुआ जे समर सोलिस्टिस जेहेतु खरा ए दिन ठू बढ़िबा स्टार्ट करे सूर्यंकर सीधा रश्मि पड़े तो सेथि पई ए दिनटा को योगा डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा जाए। फास्ट तुम नरेन्द्र मोदी जाइले यूएसए आ यूएसए रो गोटे मीटिंग रे सीए प्रपोज करथिले कि कोनो इंडिया रे ऑल ओवर वर्ल्ड रे आमे योगा डे सेलिब्रेट करिबा। तो 21 जून हैला तुम्हारे इंटरनेशनल योगा डे ताकु छाड़ी कि तुम्हारे कौन हैला समर सोलिस्टिस तो इटा जानी लो। तापरे नेक्स्ट देखो 1 अप्रैल अप्रैल 1 तारीख एटा को कौन डे हिसाब से सेलिब्रेट करा जाए उत्कल दिवस। अप्रैल 1 तारीख हमरा होची कोनो ओडिशा 1 अप्रैल 1936 दिन सेपरेट होता गोटे सेपरेट प्रोभिन्स होता गोटे राज्यर मान्यता पाई तो से 1 अप्रैल को आमर कौ डे हिसाब से मना जाए उत्कल दिवस हिसाब से मना जाए। तापर नेक्स्ट है 30 जून 30 जून आमर कौन मना जाए 30 जून मना जाए वर्ल्ड आस्ट्रोएड डे। आस्ट्रोएड माने कौन आस्ट्रोएड माने हूँ उल्का पिंड जोटा तुम देखी थो ना गोटे तारा टाइप रुम जाए जोटा को देखिकी फिल्म मुवीरे देखी थो विश मगा जाए तो सीटा हूँ तुम कौन आस्ट्रोएड उल्का पिंड तो यार डे मना जाए कौदिन 30 जून दिन मुक्स्ट भिड डेज एंड डेट उपर आनी कौदिन कौ डे थाए आर थीम कौन तो सहीटा आम देखा। तपर नेक्स्ट देख 5th नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी इंडियन फुटबॉल टीम वन हीरो इंटर नेशनल कप इन फाइनल एट कलिंगो स्टेडियम। कलिंगो स्टेडियम रे तुम जो मैच होता हीरो इंटरनेशनल कप यार फाइनल कलिंगो स्टेडियम भुवनेश्वर से होता जोटा कि इंडिया जीति पचारूम डीड दे डिफिट इन फाइनाल ये फाइनाल इंडिया क्या हरई फास्ट तो ये मैचटा कौटी होता कलिंगो स्टेडियम भुवनेश्वर क्या हरई इंडिया इंडिया हरई क्या लेबनन लेबनन गोटे कंट्री रो ना गोटे टीम जोटा कि हरई तो ये पचार फुटबल आमर फुटबलटा कौ कंट्री नेशनल स्पोर्ट्स फुटबल हूँ तुम फ्रांस रो नेशनल स्पोर्ट्स फ्रांस फ्रांस रो नेशनल स्पोर्ट्स हूँ फुटबल आ गोटे जिनस आसे कि तुम फुटबल रो रैंकिंग जोटा कि एग्जाम रे आसे आमर वर्ल्ड रे फास्ट फुटबल रो रैंकिंग रे किए अच्छा फास्ट रे अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो ये अच्छा टॉप वन रे ये कौ कंट्री रो ये पुर्तगाल रो। तापरे नेक्स्ट सेकेंड रे किए अच्छा सेकेंड रे अच्छा मेसी 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 जी कि एबे फिफा वर्ल्ड कप जीति टीम ये कौन कंट्री रो ये अर्जेंटीना रो एबे फिफा वर्ल्ड कप जोटा कि 2023 अर्जेंटीना टीम मेसी जीति। तापरे नेक्स्ट थर्ड रे किए अच्छा थर्ड रे अच्छा सुनील छेत्री सुनील छेत्री ये कौ कंट्री रो ये होमर इंडिया रो इंडिया रो तो ये टॉप 3 वर्ल्ड रो आमर फुटबॉल प्लेयर फास्ट होती रोनाल्डो नेक्स्ट है मेसी आ जन सुनील छेत्री जे कि आम इंडिया रो। तापर देखो आउ कौन फुटबॉल विषय तुमको टर्म आसो एमती टर्म पचारे कि फुटबॉल सहित कौ कौ टर्म रिलेटेड। तापर नेक्स्ट देखो देखा 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वन फर्स्ट प्राइज एट नेशनल लेवल इन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एट 4th वाटर अवार्ड पचार वाटर अवार्ड 4 नंबर वाटर अवार्ड रे नेशनल लेवल गोटे अवार्ड दि जाए तो ये ओडिशा रो कौ डिस्ट्रिक्ट कौ तुम जिला जोटा कि फास्ट प्राइज पाई तो वाटर अवार्ड रे आम ओडिशा रो कौ डिस्ट्रिक्ट फास्ट प्राइज पाई ऑप्शन सी गंजाम गंजामटा आम ओडिशा रो गोटे डिस्ट्रिक्ट आम ओडिशा रो टोटल केतेटा डिस्ट्रिक्ट अछि मुझे क्वेश्चन कौन पे पचारे ना ये क्वेश्चन तुम स्टेट गवर्नमेंट रे पचारशार टोटाल केतटा डिस्ट्रिक्ट अच्छी 30टा 30टा जिला अच्छी जो भितर सबुठ बड़ डिस्ट्रिक्ट कौटा सबुठ बड़ है आम कौन एरिया वाइज मयूरभंज। तापर नेक्स्ट सबुठ छोट डिस्ट्रिक्ट कौटा एरिया वाइज सी है तुम जगत सिंहपुर आए गंजाम भी गोटे डिस्ट्रिक्ट गंजाम मंडल में तुम आसे कौन तार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अच्छी छत्रपुर ब्रह्मपुर भी तुम कौटी अच्छी गंजाम अच्छी ब्रह्मपुर कौन पे फेमस ब्रह्मपुर तुम सिल्क फेमस ब्रह्मपुर सिल्क को आमर जीआई टैग भी दिखाई तो ब्रह्मपुर को आमर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बा सिल्क सिटी ऑफ ओडिशा बोली भी कहा जाए। तुम जानी गोपालपुर बीच टूरिस्ट प्लेस गोटे आमर बीच अच्छी गोपालपुर बीच ये कौटी अच्छी ये अच्छी तुम गंजाम रे तांपड़ा लेक ये कौटी अच्छी ये अच्छी गंजाम रे तारा तारिणी टेम्पल ये कौटी अच्छी ये भी अच्छी गंजाम रे तो गंजाम तुम टूरिस्ट प्लेस पे बहुत फेमस इस वो एग्जाम रे आसे कौ जगार अच्छी स्पेशली गोपालपुर बीच पुरी रे भी बीच अच्छी। तापर नेक्स्ट देखो
ଗଞ୍ଜାମ ଏବେ ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ତୁମର ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ବି ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ବେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆସ୍କାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସେ ତୁମର ହିଞ୍ଜିଲି, ଏଇ ନାଁଟା ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହିଞ୍ଜିଲି, ହିଞ୍ଜିଲି କାହାର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ନାଁ? ହିଞ୍ଜିଲି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ନାଁ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଲି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ବି ତୁମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କେଉଁଠି ଅଛି? ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଲାରୁଷ? ବେଲାରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ହୁ ରିପୋର୍ଟେଡଲି ନେଗୋସିଏଟେଡ୍, ନେଗୋସିଏଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଥିବେ ବା ଦୁଇଟା ଦଳ ଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସମଝୋତା, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ଟାଇପ୍ର ହେଲା, କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ, କିଛି ହେଇଥିବ, ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ତ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରାଯାଏ, ସମଝୋତା କରାଯାଏ, କିଛି ମାନେ କ'ଣ ରଫା ଦଫା ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମର କୁହାଯାଏ, ତ ଦେଇଛି କାହା କାହା ଭିତରେ? ଟ୍ରୁସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ୱାଗନର ଚିଫ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ମି, ଗୋଟେ ତୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ୱାଗନର, ତ ୱାଗନରର ଚିଫ୍, ଆଉ ରଷିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭି ପୁତିନ, ଭି ପୁତିନ ମାନେ କିଏ? ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ, ତ ଇଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମର ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ, ତାଙ୍କ ଆଉ ୱାଗନର ଚିଫ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବେଲାରୁଷର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ୱାଗନରର ଚିଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ରଷିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ୱାଗନରର ଚିଫ୍ କିଏ, ଏତର ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ବି ପଚାରିଛି। ତ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ୱାଗନର ରଷିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଲାରୁଷ ଯିଏକି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଲୁକାସେନକୋ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଲୁକାସେନକୋ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଏସବୁ ତୁମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ତ ପଚାରିଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପିଟିଟର ଟୁ ଟ୍ୱିଟର, ଟ୍ୱିଟର ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଏକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଏଲନ୍ ମସ୍କର କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୱିଟର, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଟ୍ୱିଟରର, ଆଉ ସିଏ ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ୱିଟରର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି? ଜୁଲାଇ 2023ରେ, ଜୁଲାଇ ମାସ 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ହୁଇଚ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆମ୍ବାସ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ 100 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଇନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ୱିକ୍। ତ ପଚାରିଛି ଟ୍ୱିଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, 7 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟାରେ? 100 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଲା ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା, ତାର ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ। ତ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଥ୍ରେଡ୍ସ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଥ୍ରେଡ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରେଡ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୱିଟର୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିବ ଥ୍ରେଡ୍ସର ମାନେ ଓନର କିଏ ବା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଥ୍ରେଡ୍ସ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ମେଟା, ମେଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ମେଟା, ମେଟା ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମର ଫେସବୁକ୍ ବି ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଲା ମେଟା। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ହେଲା, ମେଟା ହେଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 9 ନମ୍ବର, ନନ୍ ଫସିଲ ଫୁଏଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କାପାସିଟି ଅଛି, ସବୁ କିଛି କିଛିଟା ପାୱାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପଚାରିଛି ନନ୍ ଫସିଲ ଫୁଏଲ, ଫସିଲ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୈବାଶ୍ମ, ମାନେ ଜୀବାଶ୍ମ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଫସିଲ, ନନ୍ ଫସିଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଜୀବାଶ୍ମରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନଥିବ ସେସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଫସିଲ ଫୁଏଲ। ଯେମିତି ଫସିଲ ଫୁଏଲରେ ତୁମର ଯିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଡିଜେଲ, ତୁମର କୋଇଲା, ଏଇସବୁ ହେଲା ଫସିଲ ଫୁଏଲ। ତ ପଚାରିଛି ନନ୍ ଫସିଲ ଫୁଏଲରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପାୱାର ଜେନେରେସନର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର କରୁଛି, ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଅପସନ୍ ସି ଏଇଟା ହେଲା 43%। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଏବେ ଆସିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଗଲା ଅମିନ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ପଚାରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱନ୍ କାନାଡ଼ା ଓପନ? ମନେ ରଖିଥିବ ଓପନ ଟର୍ମ ଆସିଲା ତୁମର, ମାନେ ଜାଣିବ କି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ଥିବ, ନାଇଁ ତ ତୁମର କ'ଣ ଥିବ? ଟେନିସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ, ଓଡ଼ିଶା ଓପନ। ଓପନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଇଦର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିବ, ନାଇଁ ତ
टेनिस सहित रिलेटेड थी तो पचारि BWF BWF माने कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तो यू जना पड़गला ये कौ स्पोर्ट्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट इन अर्ली जुलाई तो जुलाई मसने BWF 500 टूर्नामेंट हो ना हूँ कौन कानाडा ओपन पचारि कौ इंडियान ये मेडल जीति किए जीति तो आंसर हम कौन आंसर हम लक्ष्य सेन ये होंगे जड़े बहुत कम एज्र बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ये कौ डिस्ट्रिक्टर कौ जगार ये होंगे अल्मोड़ा अल्मोड़ा गोटे डिस्ट्रिक्टर ना कौटी अच्छी उत्तराखंड रे अच्छी उत्तराखंड अल्मोड़ा रो होंगे लक्ष्य सेन बहुत मेडल जीति बहुत प्राइज आनी जो किए चर्चा अच्छा आउ बैडमिंटन प्लेयर रे इंडियन भितर कौ मैंने अच्छा पी भी सिंधु ये फास्ट सिल्वर मेडल जीति ओलंपिक रे पी भी सिंधु तापर नेक्स्ट है साइना नेहवाल ये भी तुम बैडमिंटन सहित रिलेटेड तो ये होंगे किसी जन बैडमिंटन प्लेयर ताकू छाड़ी तुमको जब पचार किए बैडमिंटन प्लेयर अच्छा ये जड़े पारा बैडमिंटन प्लेयर पारा मैंने कौन हैंडीकैप तो ना हूँ कौन प्रमोद भगत रिसेंटली कौन मिलता अर्जुन अवार्ड मिलता नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन व्हेयर इज द नेक्स्ट एशियन गेम 19th एशियन गेम एशियन कंट्री जो अच्छी भितर गोटे गेम हुए क्या एशियन गेम तो 19th एशियन गेम कौटी हम बोली तुमको पचार तो कौटी हम ऑप्शन ए होंजू चाइना होंजू गोटे प्लेस अच्छी जोटा कि चाइना से जगह 19th एशियन कप हम मानने एशियन गेम हम तो ये गोटे क्वेश्चन तुम आसे फास्ट एशियन गेम कौटी होता ये क्वेश्चन एग्जाम रे कौन पई आसे कि पहना फास्ट एशियन गेम इंडिया रे हेतला कौ जगह रे इंडिया रो न्यू दिल्ली रे तो न्यू दिल्ली आमर राजधानी सेडी फास्ट तुमर कौन हेतला एशियन गेम हेतला आ एटा केबे हेतला 1951 रे हेतला तो ये क्वेश्चन तुमर एसएससी स्टेट गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट एग्जाम रे पचारे तो याटकु टिके देखि देबो तापर नेक्स्ट दैछि 12 नंबर साफ चैंपियनशिप इन फुटबॉल प्रथम जिंस तो साफ कप बस साफ चैंपियनशिप कौ स्पोर्ट्स सहित रिलेटेड फुटबॉल एवं आम जानद कि साफ रो फुल फॉर्म कौन साउथ एशियन माने एशिया रो साउथ रे फुटबॉल फेडरेशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एटा होची तुमरो साफ रो फुल फॉर्म एडु जणा पडची एटा फुटबॉल सहित रिलेटेड फर्स्ट स्टार्टेड इन 1993 गोटे डाटा तुमको दे दिला 1993 रे स्टार्ट हेतला इन जून 2023 जून 2023 रे इंडिया अगेन बिकेम द चैंपियन अगेन माने कोनो पुणी थरे जीति चैंपियन हेची हाउ मेनी टाइम्स इंक्लूडिंग 2023 को मिसेई कि इंडिया केते थरो ए टाइटल टा जीति बोली तुमको पचार छी तो टोटल केते थरो जीति 9 टोटल 9 थरो जीति साफ चैंपियनशिप जोड़ा कि एथरो भी रिसेंटली तुम जीति तुम होता बांग्लादेश से जीति तो ये क्वेश्चन आसाला सुनील छेत्री आमर समझे साफ को छाड़ी कि आउ को फुटबॉल रो जो कप अच्छी बा टूर्नामेंट अच्छी जोटा कि फुटबॉल सहित तो रिलेटेड प्रथम तो है डुरांड कप तुम कहाँ सहित तो रिलेटेड फुटबॉल सहित तो। नेक्स्ट आसब संतोष ट्रॉफी एडा एग्जाम रे बहुत आसे संतोष ट्रॉफी तापर नेक्स्ट पचार सुब्रत मुखर्जी कप ये भी कहाँ सहित तो रिलेटेड तुम फुटबॉल सहित तो रिलेटेड एतक क्वेश्चन तुम फुटबॉल रिलेटेड आसे तापर नेक्स्ट देखो 13 नंबर डच गवर्नमेंट डच माने कौन जमीक आम ब्रिटिशर्स माने आसते डच माने आसते पर्तुगीज आसते तो डच बोली क्या कहुए डच बोली कहुए नेदरलैंड अधिवासी मानू गोटे कंट्री अच्छी आम नेदरलैंड तो नेदरलैंड अधिवासी मानू डच बोली कहुता जो मैंने इंडिया को आसते बेपार वाणिज्य करने तो डच गवर्नमेंट कोलाप्स डच गवर्नमेंट भांगीगला इन अर्ली जुलाई जुलाई मसने ड्यू टू इज फेल्युअर टू रिच एग्रीमेंट अन् इमिग्रेसन पॉलिसी जहाँ भी किसी तुमरो डच गवर्नमेंट कोलाप्स करी गला एमोंग इट्स कोइलेशन पार्टनर्स हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आउटगोइंग गवर्नमेंट माने पचार छी तुमरो जो गवर्नमेंट टा भांगी गला तारो प्राइम मिनिस्टर किए थिले प्राइम मिनिस्टर ही तो तुमरो गोटे कंट्री रो हेड थांती तांको अंडर सब मिनिस्ट्री थाए जी की पार्टी रो मेजर हेड थांती आ जदि पार्टी रो से मेजॉरिटी भांगी गला बा तांकरो कोन कहंती प्राइम मिनिस्टर को किछि एमती अगेंस्ट किछि काम कोले किछि भी संविधान विरोधी काम कले तो कौन हुए से गवर्नमेंट टा भांगी जाए माने प्राइम मिनिस्टर हटी गले ताकू कहा जाए गवर्नमेंट रो कोलाप्स करी जबा तो तारो किए थिले प्राइम मिनिस्टर
ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କ ରୁଟେ, ଇଏ ଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଡଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି 14 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ମାନେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳେ ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେମିତି କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ ତୁମକୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ମିଳେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ 12,725, 12,725 କରୋଡ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତୁମର ଦିଏ ପଇସା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ 2021-22ରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ମିଳିଥିଲା, ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ, ପାୱାର ମାନେ କ'ଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ନମ୍ବର, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ମାସିଭ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅନରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ଲେଟ୍ ଜୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ଜୁଲାଇ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସୁଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ଟିନେଜର ବାଇ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ଟିନେଜରକୁ ପୋଲିସ ମାରିଦେଲା। ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସି ରିଫର୍ମ, ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସି ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, ପଇସା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି। ପେନ୍ସନ୍ ରିଫର୍ମ, ଦେଖ ଏଇଠି ନା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପେନ୍ସନ୍ ରିଫର୍ମ, ଏଥିପାଇଁ ବି ତୁମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଦେଖ ତୁମକୁ ସେଇଟା ପଚାରିନି, ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ଲେଟ୍ ଜୁନ୍ ଆଉ ଅର୍ଲି ଜୁଲାଇରେ, ଜୁଲାଇ ମାସ ତୁମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନ୍ଥ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ତ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମର କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ୟାର ଅପସନ୍ ହବ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଏ ସୁଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ଟିନେଜର ବାଇ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ଟିନେଜରକୁ ତୁମର ସୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସୁଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଟ୍ ତୁମେ ତ କରିପାରିବନି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଅବମାନନା। ତ ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇରେ, ସେ ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ନାହେଲ, ନାହେଲ ଗୋଟେ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ଯିଏକି କେତେ ଇୟର ଥିଲା, 17 ଇୟର୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ଥିଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ୟାରିସରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମାସିଭ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡେପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଭିଏସ୍ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ବିଧାନସଭା। ଆଉ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, 147, ଏଇଟା ତୁମର ଅମିନ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରିଥିଲା କେତେଟା ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସିଟ୍ ଅଛି, 147, ମାନେ କେତେଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟୋଟାଲି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, 147ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଯେମିତିକି ତୁମ ତୁମ ରିଜନର ଜଣେ ଜଣେ ଥିବେ ନା, ତୁମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଜଣେ ଜଣେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, 147ଟା। ତ ପଚାରିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡେପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର, ଆମର ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଥାଏ ତାର ସ୍ପିକର ଥାଆନ୍ତି, ଡେପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହବ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଡେପ୍ୟୁଟି ସ୍ପିକର। ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ସ୍ପିକର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କେଉଁଠିର ଥାନ୍ତି, ଲୋକସଭାର, ତ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ଏବେ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଏ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ, ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପାର୍ଟିର, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର, ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 17th, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ 28ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, 8ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ ସେସନ୍। ତ ଏଇଠି ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ଆନ୍ସର୍ ହବ କ'ଣ, ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ, ଇଏ କେଉଁ ପାର୍ଟିର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାର୍ଟିର, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାର୍ଟି, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେପି, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆମର ବିଜେଡ଼ି, ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଛି ବିଜେପି। ତ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ତୁମର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ, ଯିଏକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର।
नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश रो कैपिटल कौन? अरुणाचल प्रदेश रो कैपिटल हला ईटानगर। आ अरुणाचल प्रदेश हूँ तुम को इंडिया रो को पार्ट गोटे एडा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया रो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रो गोटे सेवेन सिस्टर जो अच्छा सातटा स्टेट भितर गोटे हूँ तुम अरुणाचल प्रदेश। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। देखो तुमको पचार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गवर्नर तो ये सब एग्जाम देवा पूर्व पढ़ी टी जी। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका आमर गोटे नेबरिंग कंट्री हूँ आम श्रीलंका। श्रीलंकार कैपिटाल कौन? श्रीलंकार कैपिटाल हूँ कोलंबो। कोलंबो आ गोटे श्रीलंकार कैपिटाल हूँ कौन? श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे ए दुटा हूँ श्रीलंकार कैपिटाल। इंडिया हूँ श्रीलंका जोटा हूँ आम समुद्र रे इंडिया रो गोटे पड़ोसी देश। तो पचार श्रीलंकार प्रेजेंट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किए अच्छा तेर आंसर कौन हम? रानिल विक्रमे सिंघे। रानिल रानिल विक्रमे सिंघे ये हूँ श्रीलंकार प्रेसिडेंट। तापर नेक्स्ट जदि पचार श्रीलंकार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पचारा मैंने प्राइम मिनिस्टर भी पचारि पार तो प्राइम मिनिस्टर किए अच्छा दिनेश ताकर ना होची दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन ये होचंती श्रीलंकार प्राइम मिनिस्टर। आ एटी जो जो ऑप्शन ने तुमको देची महिंद्रा राजपक्षे आ गोटाभाया राजपक्षे ये यार पूर्वर तुमर यही किसी वर्ष पूर्व तुमर महिंद्रा राजपक्षे आ गोटाभाया राजपक्षे ये दु जन भाई भाई तो जड़े प्राइम मिनिस्टर थे आ जड़े प्रेसीडेट थे श्रीलंकार। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया रो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किए अच्छा बोली पचारिची तो किए अच्छा इंडिया रो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फास्ट तो आम जानवा कि क्याग क्याग रो फुल फॉर्म हूँ कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोड़ा कि तुम आर्टिकल के आसे आर्टिकल नंबर 148 ये हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या किए अपॉइंट करती? क्या अपॉइंट करती? प्रेसिडेंट आम राष्ट्रपति अपॉइंट करती क्या आए कौन करती आम जो फाइनेंस रिलेटेड जहाँ भी किसी रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट बनाती आउ ऑडिट करती। ऑडिट करार कम कह रहा फाइनेंस रिलेटेड ऑडिट ऑडिट मैंने देखाशुना करती तार रिपोर्ट दिखती क्या दिखती जेहेतु प्रेसीडेट अपॉइंट कर तो रिपोर्ट क्या देवे प्रेसीडेट को दिखती 148 रु 150 पर्यंत आर्टिकल कहापी अच्छी तुम क्याग अच्छी जो क्याग चली हूँ तुम 15th नंबर यहाँ 15 नंबर जी अच्छा आम क्याग तो किए अच्छा आंसर हम गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट देखो ये मन रख क्याग आर्टिकल के 148 तापर नेक्स्ट देखिए Who won Wimbledon men's single championship in July 2023? July 2023 रे Wimbledon men's single championship रो विनर किए बोली पचार आमर टेनिस गोटे स्पोर्ट्स अच्छे तुम कौन टेनिस टेनिस रे वर्ल्ड लेवल ले बा इंटरनेशनल लेवल ले तुम चारिटा टूर्नामेंट हुए फास्ट ना हला ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन मुझे ना ओपन आसला मैंने आईदर तुम टेनिस थी ना तो बैडमिंटन थी तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। तापर नेक्स्ट आसो कौन फ्रेंच ओपन। तापर नेक्स्ट विम्बलंडन विम लंडन विम्बलंडन ये छड़ाई जोटा को अलग यूके ओपन बोली भी कह जाए यूके ब्रिटेन। आ नेक्स्ट आसो कौन यूएस ओपन यूएस यूएसए तो यहाँ चारिटा टाइप रो तुम टेनिस रो टूर्नामेंट थाए ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बलंडन आउ यूएस ओपन। तो ये पचारे सब पुणा एस सी रो तुम गोटे क्वेश्चन पचार कि चारिटा ओपन भितर सब पुणा कौटा सब पुणा कौनटा विम्बलंडन सब ओल्डेस्ट आउ जदि सब अधिका पैसा सबका कौटे मिले तो यूएस ओपन ये प्राइज मनी सब अधिका थाए। तापर नेक्स्ट पचार तुमको ये जो ओपन सब खेला जाए आम वर्ष जून जुलाई रो मिड रे जनवरी रे गोटे डिसेम्बर रे एमती चारिटा मस रे खेला जाए आउ चारटा ओपन हुए गोटे वर्ष रे तो ये मेल कैटेगोरी भी दि जाए आउ फीमेल कैटेगोरी रे भी अवार्ड दि जाए। तो पचार विम्बलंडन जोटा कि 2023 जुलाई में होता ये तुमको पचार मेन्स
माने पुरुष कैटेगोरी रे सिंगल्स रे सिंगल्स डबल भी थाए सिंगल्स थाए सिंगल माने कोनो केवल जणे 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 खेलुतबे मैच तो सिंगल टाइटल किए जीती छंती बोली तुमको पचारी छी तो किए जीती छंती कार्लोस अल्कारास ये जणे हो छंती प्लेयर जे की तमरो जीती छंती सेमते तमरो एई टेनिस ओपन रे सब अधिक मेडल कहां को जी मिली छी नोवाक जोकोविक तापरे छंती डेनियल मेदवेदेव फेर अच्छा तुम राफेल नाडाल एमती बहुत सारा प्लेयर अच्छा जो मन को अवार्ड प्राइम मिले आ सब अधिका क्या मिली नोवाक जोकोविक ये होती सब अधिका टाइटल जहाँ को मिली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन फ्रेंच ओपन मुझे बतैली चारिटा ओपन हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बलडन आउ यूएस ओपन तो फ्रेंच ओपन फ्रेंच मैंने कौन फ्रांस तो फ्रेंच ओपन रे वुमेन्स कैटेगोरी रे माने महिला कैटेगोरी सिंगल्स रे कहाँ को अवार्ड मिली तो कहाँ को मिली ऑप्शन ए इगा स्वेतेक ये जो फीमेल आउ ये टेनिस सहित तो रिलेटेड ये को कंट्री रे होंगे पोलैंड रो ये जने टेनिस प्लेयर आउ जने अच्छा तुम आरियंका सेबलेंका यहाँ को भी फीमेल कैटेगोरी रो बहुत अवार्ड मिली तो ये किसी जन फीमेल प्लेयर जो मैंने कि ओपन मैच खेलती नेक्स्ट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना समस्त तो जानते हैं चाइना यहाँ पुणी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन एक्चुअली चाइनार पूरा ना हूँ यहाँ चाइनार एक्चुअली ऑफिशियल ना हूँ यहाँ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइनार कैपिटल कौन चाइनार कैपिटल तुम मत कमेंट सेक्शन में मेंशन कर कि चाइनार कैपिटल कौन आउ तार प्राइम मिनिस्टर बा प्रेसिडेंट किए अच्छा ये तो प्रेसिडेंट तुमको पचार हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइनार प्रेसिडेंट किए बोली पचार तो चाइनार प्रेसिडेंट किए सी जिनपिंग सी जिनपिंग तुम नरेन्द्र मोदी टाइम रू अच्छा सी जिनपिंग जी कि तुम चाइनार प्रेसिडेंट तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन Which team are clashing in final of Duleep Trophy in July 2023? प्रथम जिनस तो Duleep Trophy को स्पोर्ट सहित रिलेटेड Duleep Trophy क्या सहित रिलेटेड क्रिकेट क्रिकेट रोटे कप रहा हूँ जमती तुम थाए कौन रणजी ट्रॉफी ये तुम क्रिकेट सहित रिलेटेड ताकू छाड़ी तुम है कौन Duleep Trophy विजय हजारे कप ये भी हूँ तुम क्रिकेट सहित रिलेटेड आईपीएल ये सब टाइटल तुम क्रिकेट सहित रिलेटेड तो पचार Duleep Trophy तुम जुलाई 2023 रे खेला फाइनाल मैच जोटा कि क्या क्या भितर होता साउथ जोन आउ वेस्ट जोन ऑप्शन ए हूँ तुम आंसर साउथ जोन आउ वेस्ट जोन भितर होता जोन मैंने गोटे गोटे डिविजन तो ये तुम विनर किए थी विनर थी तुम साउथ जोन 2022 रे तुम वेस्ट जोन जीति दुई जन भितर मैच होता आ 2023 रे ए दुई जन मैच होता जो थे कि जीति किए साउथ जोन तापर नेक्स्ट देखो Duleep किए थे जहाँ को ना अनुसार तुम Duleep Trophy दि जाए ये है तुम Duleep Singh जी ये होंगे आम इंडिया जड़े फुटबॉल प्लेयर तांको ना अनुसार Duleep Trophy दि जाए सम्मान देवाई आउ यार फास्ट सेसन फास्ट Duleep Trophy के खेलाई 1961-62 मसीह तुम फास्ट सेसन होता Duleep Trophy रो तो यहाँ तुम एग्जाम आसो कि कफी मानने कप अच्छी जोटा कि क्रिकेट सहित रिलेटेड प्रथम तो है आईपीएल तुम Duleep Trophy रणजी ट्रॉफी विजय हजारे कप यही सब तुम क्रिकेट सहित रिलेटेड तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट मशीनरीज ऑर्गेनाइज्ड एज वागनर यार प्रीवियस क्वेश्चन में बताऊँगी वागनर सहित तुम जो चुक्ति होता तुम बेलारूस प्रेसिडेंट कर तो पचार वागनर रिवोल्ट कर एगेन्स्ट रशिया एगेन्स्ट एंड कैप्चर ए फ्यू डिफेन्स पोस्ट इन लेट जून 2023 तो वागनर पार्टी जी थे से मैंने एगेन्स्ट कर मैंने विद्रोह करते रशिया एगेन्स्ट तो पचार हुआ देयर लीडर तुम वागनर लीडर किए बोली पचार तुम वागनर लीडर किए एटा हूँ गोटे संगठन जार कि लीडर होंगे तुम किए ऑप्शन ए निकोले प्रोटासोफ ये तुम वागनर चीफ तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 विक्ट्री सिटी ये हूँ तुम गोटे बही ना जोटा कि फेब्रुआरी 2023 रे रिलीज होता पब्लीश होता तार अथर किए या किए लिखी थे पचार विक्ट्री सिटी ये हूँ गोटे नोवेल नोवेल मान कौन उपन्यास जमी आम पढ़ी छ मण आठ गुंट फकीर मोहन सेनापति लिखी थे से सब हूँ कौन गोटे गोटे उपन्यास बुक अलग आ गए नोवेल अलग तो यहाँ हूँ गोटे नोवेल आ किए लिखी थे या लिखी थे ऑप्शन सी सलमान रुशेदी ये होंगे जो अथर जी कि लिखी थे
ताकू छाड़ी देखो ऑप्शन देखिए झुंपा लेहरी आ अमिताभ घोष ये दुई जन हूँ तुम वेस्ट बेंगल रो स्टेट रे मैंने ये हूँ वेस्ट बेंगल रे दुई जन हूँ तुम करेन्ट रे जे रईटर दुई जन तापर नेक्स्ट देखिए अरविंद अडिगा तांकर गोटे फेमस बुक अच्छी द व्हाइट टाइगर जोड़ा कि तुम एग्जाम आसे ताऊपर गोटे मूवी भी बाहरी द व्हाइट टाइगर तो ये जान थ तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच कंट्री वाज रिसेंटली एडमिटेड एज मेंबर ऑफ एससीओ एससीओ कौन एससीओ हूँ गोटे आम वर्ल्ड रुठ बड़ लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो सबुठ बड़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आउ एससीओ जोटा कि स्टार्ट होता के 2001 रे तार फुल फॉर्म कौन एग्जाम तार फुल फॉर्म आसे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जार कि हेडक्वार्टर कौटी अच्छी तार हेडक्वार्टर शांघाई कौटी अच्छी चाइना रे अच्छी कि तार हेडक्वार्टर शांघाई रे नहीं तार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी बीजिंग चाइना रो कैपिटल बीजिंग चाइना रे अच्छी तार कैपिटल एटा हूँ गोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ रो तुम बहुत थर मीट हुए एबे टिके एबे चर्चा रे नहीं न्यूज रे तो एससीओ रो टोटल केतरा मेंबर अच्छा टोटल 8टा मेंबर थिले एससीओ रो क्वेश्चन आसे कि इंडिया एससीओ रो मेंबर की तो आंसर हम कौन हाँ इंडिया हूँ एससीओ रो जड़े मेंबर टोटल 8टा कंट्री थिले जो मैंने कि एससीओ रो मेंबर अच्छा एबे पचार नौ नंबर मेंबर नुआ गोटे मेंबर एड होती से नौ नंबर मेंबर रो ना कौन को कंट्री एड होती आंसर हम ईरान नाटो रे तुम गोटे एबे रिसेंटली मेंबर एड होती नाटो ये भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन जार ना हूँ कौन फिनलैंड एटा तुम एग्जाम आसला पीयू एग्जाम तो जानी थी ऑर्गेनाइजेशन विषय तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टू पर्सन हैव द हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट फॉलोइंग एट ट्विटर ये क्वेश्चन आम टे डिस्कशन करवा मत गोटे टेबल तुमको बतेबार अच्छे तो आम पर डिस्कशन करवा देख 28 नंबर हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पचार एनजीटी एटा को शॉर्ट फॉर्म रे कौन कहुए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आमर ट्रिब्यूनल मानक भी आर्टिकल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे तो ये हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनजीटी एनजीटी रो काम कौन ग्रीन सिंबल क्या रिप्रेजेंट करे ग्रीन रिप्रेजेंट करे तुम एग्रीकल्चर सोशियो एनवायरमेंट तो ये ग्रीन फॉर कौन है एनवायरमेंट परिवेश तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किए करे आमर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भी जगह रे किसी भी कंस्ट्रक्शन हो किसी काम हो किसी भी हो जदि से परिवेश प्रति विपद थाए तो से जगह रे किए आसे तुम एनजीटी आसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अटकईवाई तापर नेक्स्ट देखिए ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तुम चेयरपर्सन एवं किए अच्छा देखो ये तुम दुटा ऑप्शन देखिए फास्ट ऑप्शन देखिए जस्टिस सीओ कुमार सिंह आउ गोटे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यंत जब तुम एग्जाम हो ना पूर्वर तुम किए थे आदर्श कुमार गोयल किंतु जस्ट जब तुम एग्जाम है तार किसी दिन पूर्व जन को चेंज कराइला जी थे तुम कौन जस्टिस सीओ कुमार सिंह तो अकॉर्डिंग टू योर आंसर जो दिन आंसर होता मैं जो दिन तुम एग्जाम होता यार आंसर कौन हम सीओ कुमार सिंह आदि आज तुम्हें देख न्यूज तो आज तुम एनजीटी रो तुम जड़े चेयरपर्सन को अपॉइंट कराई मत कमेंट सेक्शन में मेंशन कर कि एबे माने जस्ट गोटे दिन आगर एनजीटी रो चेयरमैन हिसाब से क्या अपॉइंट कराई ये भी चेंज हो गले सीओ कुमार सिंह भी चेंज हो गले तो नाटा मत कमेंट सेक्शन में मेंशन कर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्विच कंट्री इज फास्ट ओवरसीज कैंपस ओवरसीज माने कौन जमी ओवरसीज इंडियान था ओसीआई सेमती ओवरसीज माने होची बाहर कंट्री रे तो बाहर कंट्री रे आईआईटी मद्रास रो गोटे सेटअप हम गोटे कैंपस तो पचार तुमको को कंट्री रे आईआईटी मद्रास रो गोटे कैंपस तुम बना जा तो आंसर हम कौन आंसर हम ऑप्शन बी तंजानिया तंजानिया कौटी अच्छी तंजानिया अच्छी अफ्रिकार आफ्रिका कंटिनेंट रे गोटे कंट्री अच्छी जार ना हूँ तंजानिया आ तंजानिया तुम लॉन्ग पे बहुत फेमस लॉन्ग जोटा कि तुम खाती तापर नेक्स्ट देखिए हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आम पढ़ी क्या एवं आसला तुम कौन अटॉर्नी जनरल ये हूँ तुम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याप कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल मेंशन अच्छी आउ कॉन्स्टिट्यूशन रो केते नंबर आर्टिकल अच्छी आर्टिकल नंबर 76 तुम क्या डिफाइन करे अटॉर्नी जनरल माने कौन अटॉर्नी जनरल होती तुम कौन इंडिया रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर
माने तमे कही पारिबो इंडिया रो सबुठु बडो ओकिलो होउचंदी किए अटॉर्नी जनरल जितकी भी लॉ रिलेटेड मैटर को किए सॉल्व करती अटॉर्नी जनरल सीए चाहिले तुमरो सुप्रीम कोर्ट रे जाई कि तुमरो बसी पारिबे किसी भी डिसीजन नहीं पारिबे खाली वोटिंग राइट्स तांको पकरे न थाए बाकी सब जगह रे जाई कि से तांको मत दे पारिबे तो सीए सब मीटिंग भी अटेंड करती ये होचंती तांको अपॉइंट किए करती तांको अपॉइंट करती प्रेसिडेंट अपॉइंट करती ये तो थिला सेंटर रे सेमती स्टेट रे तुमरो कोटे कोटे थांती सब स्टेट रे तुमरो कोटे कोटे थांती एडवोकेट जनरल एडवोकेट माने कौन लॉयर तो एडवोकेट जनरल ये सब था स्टेट रे सब स्टेट रे आउ सेंटर रे किए था ल ऑफिसर हिसाब से अटॉर्नी जनरल एबे आमर अटॉर्नी जनरल इंडिया रो किए अच्छा अटॉर्नी जनरल अच्छा आर वेंकटरमणी ये अच्छा अटॉर्नी जनरल ताकू छाड़ी देखो ये ऑप्शन दे दी तुम ऑप्शन ए तुषार मेहता सेमती गोटे तुम पोस्ट थाए सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल तो सॉलिसिटर जनरल एबे इंडिया रो किए अछंती ये अछंती तुषार मेहता एटा थिला तुम टोटल 30 क्वेश्चन जोटा कि ओडब्ल्यूएससी अकाउंटेंट एग्जाम रे पड़ी थिला यार मु डिटेल डिस्कशन कर देछि आंसर सहित तो, वीडियो केमती कोन लागिला कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवो क्वेश्चन नो आंसर भी दबो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो आउ जदि वीडियो भल लागि थाए समस्त को सांग मान को भितरे वीडियो को शेयर करिवो थैंक यू। और मैं तो